तो बोले थे कि तुम दो दिन में अर्जुन को घर पहुंचा दोगे। अरे दीदी आप इतना चिल्ला कह रही हो। हमको अर्जुन से बात कराओ, जल्दी बात कराओ बस। बात तो हम करा देंगे लेकिन उसके लिए तुमको कीमत चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत? 15 लाख की बकवास कर रहे हैं। क्या? अगर अर्जुन से बात करनी है तो 15 लाख की कीमत चुकानी होगी। दो भाई शंकर और अर्जुन एक दूसरे के बेहद करीब थे। समझदार अर्जुन हमेशा अपनी माँ वीना से सहमत था कि उसके पिता आनंद को शंकर को माफ कर देना चाहिए और उसे घर वापस बुला लेना चाहिए। अब सवाल यह उठ रहा था कि शंकर द्वारा साक्षी को भगाकर शादी करने की कीमत क्या अर्जुन भरने जा रहा था? क्या थी इस अपहरण की असली कहानी? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश। अभी भी स्विच ऑफ है फोन। ये अजीत पगला तो नहीं गया है? 15 लाख रुपया मांग रहा है। अर्जुन और अजीत दोनों का फोन स्विच ऑफ है और हम अम्मा बाबूजी से भी कुछ नहीं बता सकते हैं। देखो सुजाता तुम घबराओ मत, एक काम करते हैं कि सुबह तक इंतजार करते हैं, नहीं तो फिर सीधा पुलिस थाने ही जाएंगे। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। The number you have called is currently switched off. ये आपकी मौसी का लड़का अजीत रहता कहाँ है? लखीमपुर सर, वो 3 दिन पहले आया था और मेरा भाई अर्जुन उसके साथ ही गया। आपके भाई अर्जुन की आपकी मौसी के लड़के अजीत पांडे के साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी? नहीं सर, हमारा भाई अर्जुन सिर्फ 16 साल का है, छोटा है अभी सर वो। अर्जुन का घर मतलब आपका मायका किधर है? हरापुर सर। इनके पिताजी अभी 4 महीने पहले ही फौज से रिटायर हुए, मेजर रैंक पे थे, बहुत इज्जत है उनका। आपके भाई अर्जुन का और उस 15 लाख मांगने वाले अजीत का, दोनों का नंबर इस पर लिख कर लीजिए। अम्मा और बाबूजी से सब कैसे बताएंगे जी? अब सीधे से बताना ही पड़ेगा ना उनको, काहे कि इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं बुझा रहा है। क्या बकवास कर रही हो सुजाता? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी, हम अर्जुन को अजीत के साथ जाने दिए। अरे 3 दिन पहले ये सब हो गया और तुम हमको अब बता रही हो? हम बहुत डर गए थे बाबूजी। अरे डरना तो तुम्हें उस समय चाहिए था जब वो कमीना अजीतवा के साथ तुम अर्जुन को भेज दी। क्या करती तुम सुजाता? अरे क्या हुआ अर्जुन को? रखो, क्या हुआ हमारे अर्जुन को? सर अजीत पांडे और अर्जुन दुबे दोनों का फोन 20 जुलाई को स्विच ऑफ हुआ। अजीत पांडे का फोन कल सुबह स्विच ऑन हुआ था। हुआ ही होगा, उसने सुजाता से 15 लाख की फिरौती मांगी थी। वैसे दोनों के फोन की लास्ट लोकेशन क्या बता रहा है? सर अमरनगर छोड़ने के 2 घंटे बाद गया सिटी में दोनों के फोन स्विच ऑफ हुए। अजीत का फोन जहाँ स्विच ऑन हुआ उसका लोकेशन है जहानाबाद। दोनों सगी बहनों के बेटे हैं अजीत और अर्जुन। सर ये अजीत अर्जुन को लखीमपुर ले जा रहा था जहाँ उसके मामा और मौसी रहते। दरअसल अर्जुन की माँ की तरफ का पूरा परिवार वहाँ का ही है। परिवारों का यही है वर्मा, कोई इसकी तरफ का कोई उसकी तरफ का, और इन दोनों तरफ के बीच में जो कुछ भी होता है बाहर की तरफ से दिखाई नहीं देता। सर लखीमपुर चलकर देखते हैं, शायद जो अनदेखा है वो दिख जाए। रोहिणी दीदी का लड़का पगला गया है का? 15 लाख मांग रहा है हमारे अर्जुन के लिए। 2 साल हो गया उस सबका मुंह देखे और हमारी पीठ पीछे चूहा की माफिक वो अजीतवा कहे गया हमारी बिटिया सुजाते के घर और कहे ले गया हमारे अर्जुन को। ये तुम्हारी तरफ के लोग जो है ना जरूर साजिश किए हैं हमारे। ये का बोल रही हो वीना? हमारा अजीत ऐसा नहीं कर सकता। तो 3 दिन पहले सुजाता के घर से हमारा अर्जुन को किए ले गया। अरे वीना हमारा अजीत 1 हफ्ता पहले पटना गया है कोई जरूरी काम से। इस समय सबसे जरूरी हमारा अर्जुन है रोहिणी दीदी, आप अभी अजीत को फोन लगाइए, पूछिए कि अर्जुन कहाँ है, का किए हो के साथ। अरे 15 लाख वाला का बकवास है, आप अभी पूछिए, अभी पूछिए, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। खुद को काहे दोष दे रही हूँ सुजाता, इसमें तुम्हारा गलती थोड़ी है। अब तुमको नहीं पता था ना कि अजीत के दिमाग में कुछ ऐसा षड्यंत्र पक रहा है। सुनिए जी थोड़ा ठंडा दिमाग से बात कीजिएगा। कैसे रखा ठंडा दिमाग? तुमसे पहले बोले थे तुम्हारा भाई मोहन और सुनील के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए, कहे कि वही दिमाग टेढ़ा किए हैं तुम्हारे शंकर। ये सबको 2 साल हो गया है, शंकर को काहे घसीट रहे ये सब में? अरे शंकर ही तो है ये सब की जड़, और वो मूर्ख उन लोग की चाल को समझ ना पाया।
और तुम और अर्जुन भी शंकर और उन लोग की तरफदारी करते रहे। सब ठीक हो जाएगा जी, आप चिंता मत कीजिए, अपना अर्जुन भी लौट के आ जाएगा। अपहरण हुआ है उसका, फिरौती मांग रहे हैं वो लोग। अपहरण समझती हो? हमको इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अजीत हमको एक शब्द नहीं बोला कि वो हमारी बहन वीना की बेटी सुजाता के घर जा रहे हैं अर्जुन को यहाँ लाने। घर में तो कोई नहीं है सर। फिर कहाँ गया होगा रोहिणी जी? आपका बेटा अजीत अर्जुन को लेकर कहाँ जा सकता है? हमको भगवान की कसम, हमको कुछ नहीं मालूम। बस एक हफ्ता पहले अजीत हमको बोला पटना जा रहा हूँ, तब से ना तो उनको देखे ना उसंग फोन पे बताया है। सर अजीत पांडे का फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके फोन रिकॉर्ड में बाकी जो भी नंबर्स हैं सबसे कांटेक्ट शुरू कर दो, पता लगाओ वो कब कब किसके टच में रहा है। सर वर्मा, एक केस अपहरण का तो लग रहा है, लेकिन इस मामले में कोई घरेलू राज भी छुपा हुआ है, और जब वो राज खुलेगा तभी ये केस बंद होगा। काबुली पुलिस। बाबूजी अभी तक पुलिस का कोनो फोन आया नहीं है। काका बोले हो पुलिस को? बाबूजी वो पूछे अजीत कहाँ रहता है तो हम बोल दिए लखीमपुर। बस तुम बोली नहीं उसको अपने मामा के बारे में? नहीं, हमको नहीं लगता है कि हमारा भाई मोहन और सुनील अर्जुन का बुरा चाहते हैं। वो का चाहते हैं ये बात हम आज तक ना समझ पाए। वो सारा लोग काहे को मदद किए शंकर का? अरे लड़की के माँ बाप राजी ही ना थे तो किस इरादे से किए शंकर का मदद? पुलिस अब तक इस केस को एक किडनैपिंग का केस मानकर चल रही थी। पुलिस को इस बात का तो आभास था कि इस जुर्म की जड़ किसी घरेलू मसले में है, पर अब उनके सामने एक बदले की कहानी खुलने लगी थी। लेकिन इस कहानी में गांठें भी कम नहीं थी। ये बात हमें पहले बता दी होती। वो अर्जुन को लेकर हम इतना परेशान थे कि बताना भूल गए। और कुछ कहना चाहेंगे मेजर साहब? वैसे इंस्पेक्टर साहब, हमारा अनुमान है कि सबके पीछे साक्षी के दोनों भाई गुड्डू और सुधीर का हाथ। खुला धमकी देकर गए थे हम। जवाबी हमला होगा, सबको मिल बैठ के भरना है, देख लेंगे तुम सबका, छोड़ेंगे नहीं किसी को। और आपके भाइयों ने शंकर की मदद की थी साक्षी को भगाने में? जी। तो उस हिसाब से तो मेजर साहब साक्षी के भाइयों का गुस्सा आपके सालों और उनके लड़कों पर भी होना चाहिए, पर यहाँ पर अर्जुन को ले जाने वाला आपकी बहन रोहिणी का बेटा अजीत ही है, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। बस एक बात बोले, साक्षी के भाइयों की दोस्ती अजीत के साथ बहुत पुरानी है। सर अजीत का फोन रिकॉर्ड से नंबर मिला है, नितिन चंद्रा नाम है। इसका फोन भी स्विच ऑफ है, पर उसी जगह स्विच ऑफ हुआ जहाँ अजीत और अर्जुन का फोन स्विच ऑफ हुआ, गया स्टेशन के पास। इस नितिन चंद्रा का एड्रेस क्या है? समस्तीपुर जिला। वहां जाने के पहले इस नितिन चंद्रा के फोन के साथ साथ साक्षी के भाइयों, उसके घर वालों, अर्जुन के दोनों मामा मोहन और सुनील, बहन रोहिणी, सबका फोन टैप करो। सर लगता है दुश्मन भीतर ही है। अब आपको हम क्या बताएं, बस इतना है कि अजीत हमारा भांजा है और शंकर भी आपका भांजा है, जिसकी आपने मदद की थी लड़की भगाने में। साहब लड़की भगाने में नहीं, शादी कराने मदद की थी। हम सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश की है, तो कुछ गलत तो किए नहीं हम। लेकिन आप अर्जुन बेटा को लेकर अजीब अजीब सवाल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। अभी तो हम कुछ करना शुरू भी नहीं किए हैं, सही और गलत बहुत दूर की बात है। वैसे अजीत कहाँ है? हमको क्या पता, आप खुद ही फोन करके पूछ लीजिए। वैसे कल अजीत फोन किया था हमको, ऐसा कोई हड़बड़ी में नहीं था, वो बड़ा सहज था। वो आपकी कल अजीत से फोन पर बात हुई, पर उसका फोन तो स्विच ऑफ है। हो सकता है किसी दूसरे नंबर से फोन किया हो हमको। लाइए वो दूसरा नंबर दीजिए। साहब हमारा बेटा नितिन हमको कुछ नहीं बताता, इतना ही बोला साहब कि किसी काम से जा रहा है। अब कौन काम से जा रहा है, कहां जा रहा है, कुछ बताया नहीं साहब। गया कहां है? साहब पटना पटना फोन पे सुनाई दे रहा था, और सामने से तो कुछ समझ में नहीं आया। ये अजीत
दोस्त है आपके बेटे नितिन का। हाँ साहब, वो दोनों मिलकर जमीन उमीन का कुछ काम करते हैं। अगर नितिन आपको फोन करता है तो आप उसे कुछ नहीं बताएंगे कि हम यहाँ आए थे? तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे। जी सर। दो लोग सिविल में 24 घंटे इस घर पे नजर रखेंगे। समझ गए साहब। सर नितिन घर पर नहीं है, लगता है फरार हो गया। मिल जाएगा वर्मा, फिलहाल हम लोग साक्षी के घर जा रहे हैं। इस अजीत दुबे का एक और नंबर मिला है, तुमको भेज देते हैं, ट्रैकिंग पे डाल दो। जी सर। चलो साक्षी हमारी बेटी थी। 2 साल पहले सारा कुछ खत्म हो गया सर। भाई कहाँ है तुम्हारा, फोन क्यों बंद है उसका? का फोन नंबर बदल गया है। नया नंबर क्या है? और नंबर के साथ साथ ठिकाना भी बदल लिया है। हम क्या ठिकाना बदलेंगे, हम भागने वाले लोग नहीं है साहब। सुधीर दुकान पर है, काम कर रहा है। अर्जुन कहाँ है सुधीर? अर्जुन कौन? अर्जुन साहब शंकर का भाई, अर्जुन दुबे। अर्जुन दुबे? नहीं साहब, हमें नहीं पता कहाँ है वो। क्यों साहब, कुछ हुआ है क्या? वो धमकी दिए तो 2 साल हुए हुआ साहब, ऐसे गुस्से में दे दिए थे। हाँ साहब, जब अपनी बहन को ही भूल गए तो उनका काहे याद रखेंगे। और साहब अर्जुन को उठवा कर हमका काम मिलेगा, हमारी बहन तो गई हमारे हाथ से। साहब ये सब हमको करना होता तो इसमें अजीत को काहे इन्वॉल्व करते। देखो शुक्ला बंधु, अभी बज रहे हैं शाम के 6, सुबह 6 बजे तक का टाइम दे रहे हैं, ज्यादा सोच विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भी सच बोलने की इच्छा हो और हिम्मत जुट जाए बोल देना, कुछ और बोले तो डंडा बोलेगा हमारा। 12 घंटे हैं तुम्हारे पास अपनी हड्डी पसली बचाने के लिए। साहब किसी भी घर से जब बेटी भाग जाती है ना, गुस्सा सबको आता है। हम इज्जतदार लोग हैं, अब तक कोई आंच नहीं आया है हम पर। हमारे लड़का लोगों ने कुछ नहीं किया है। बेकसूर हैं तो बेफिक्र रहिए, घर आ जाएंगे। लेकिन हमारे हिसाब से उनके पास ठोस कारण है शंकर का गुस्सा अर्जुन पर निकालने। एक और बात, ये जरूरी नहीं कि घर के सभी लोग एक दूसरे को अपनी हर बात बता दें। आप किस हिसाब से बोल रहे हैं जुर्म में हमारा हाथ हो सकता है? अर्जुन हमारी छोटी बहन का लड़का है, सगा भांजा है हमारा। अजीत पांडे भी तो सगा भांजा है आपका, जो अर्जुन के लिए 15 लाख रुपए फिरौती मांग रहा है। हम उसे फोन करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है, लेकिन दूसरे फोन से वो आप सबसे टच में। धर्मेंद्र गर्ग कौन है? कौन धर्मेंद्र गर्ग? ये आप बताएंगे, और बाकी उन सभी लोगों के नाम जो इस अपहरण में शामिल है। शंकर की शादी को लेकर आनंद दुबे हम लोगों से नाता तोड़ दिया है। गुस्सा वो है, हम लोग नहीं। हम अपनी छोटी बहन के बच्चे को अपना बच्चा जैसा प्यार करते हैं, आप बेकार हम पे शक कर रहे हैं। जब तक अर्जुन सही सलामत घर नहीं पहुंच जाता आप सब पर शक बना रहेगा। बाबूजी पुलिस बता रही थी कि अजीत का जो दूसरा वाला मोबाइल था ना, जिससे सुनील और मोहन मामा के साथ टच में था, अब वो भी बंद आ रहा है। और हाँ बाबूजी, किसी धर्मेंद्र घर का नाम ले रहे थे। ये अजीत और तुम्हारे भाई सबको आखिर चाहिए क्या? अरे खुल कर कहे, पैसा या बदला। सर साक्षी के दोनों भाइयों को बहुत तोड़ा, लेकिन दोनों मुंह नहीं खोल रहे। वर्मा बात कुछ अजीब सी लग रही है, धमकी साक्षी के भाइयों ने ही दी, लेकिन शंकर के मामा लोग भी इस सब में शामिल लग रहे हैं। और ये भी सच है कि अजीत ही अर्जुन को लेकर गया था और उसने ही फिरौती भी मांगी थी। सर शंकर अपने दोनों मामा के काफी करीब थे, उस पर खबरियों को लगा दिया है। अजीत का कोई दूसरा नंबर स्विच ऑन हुआ? जी नहीं सर। वर्मा 5 दिन हो गए हैं लड़के को गायब हुए, ठीक नहीं लग रहा है। और सर ये धर्मेंद्र गर्ग जो है, इसके कॉल रिकॉर्ड्स कल दोपहर तक आ जाएंगे, लोकल नंबर नहीं है, बाहर का है। अर्जुन को गायब हुए अब 5 दिन हो गए थे और पुलिस का कई लोगों पर ठोस शक था। अगले दिन एक खबर आई, एक दूसरे पुलिस स्टेशन के पास अर्जुन की तस्वीर थी और उसके बारे में कुछ जानकारी भी। ये है लड़का साहब, इसका नाम अर्जुन दुबे है और ये अमरनगर से गुमशुदा है। 3 दिन पहले इसकी तस्वीर हमें भेजी गई है साहब। ठीक है तुम जाओ। कब की बात? आज सुबह की। ठीक है। यही अर्जुन दुबे।
सर गोली सिर पे मारी गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। फिर लाश को तालाब में फेंक दिया गया। कहाँ हुआ अजीत भैया? सुसु जाना है। तुमको लगा है का? जी जा कर लो फिर, हम हमारा दोस्त खड़ा जरा बिठा लेते हैं। सर बॉडी जब मिली काफी डिकम्पोज हो चुकी थी। शायद अर्जुन को उसी दिन मार दिया गया था जिस दिन वो घर से निकला था, 6 दिन पहले। क्या बोला पुलिस? क्या बोला पुलिस? अब चुप क्या है? क्या बोला पुलिस? हमारा अर्जुन मिल गया है, लेकिन अरे क्या बात है, बहुत ही जल्दी आ गए। घर से खबर है साची। का खबर है शंकर? हमारा अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा साची। भगवान साहब, हम कसम खा के कहते हैं हमारा इस सब में कोई कनेक्शन नहीं है। का तो मालूम है नहीं था कि अजीत अमर नगर गया है? हाँ साहब, साहब अब मूर्ख नहीं है, हमको पता है क्योंकि परिवार को हम धमकी दे के आए हैं, तो हम ये सब काहे करेंगे। हम दोनों यही हद तक कभी नहीं जा सकते। साक्षी के भाई लोग धमकी दिए थे जी अजी को, हम लोग नहीं। अर्जुन हमारे सबसे छोटी बहन का सबसे छोटा लड़का था, लाडला था हम लोग का, काहे मारेंगे हम लोग उसको? इतना ही लाडला था तो अजीत उसे अपने साथ क्यों ले गया था? बड़ा भाई है ना उसका, किसके कहने पर कत्ल किया? हम लोगों को कहाँ मालूम। सर धर्मेंद्र गर्ग का फोन रिकॉर्ड आ गया। आउट ऑफ टाउन का नंबर है ना? लखनऊ सर, लखनऊ पुलिस को घर का एड्रेस दे दिया। लखनऊ का धर्मेंद्र गर्ग है कौन? क्या 16 वर्षीय पढ़ाकू अर्जुन ने अपने बड़े भाई शंकर के कर्मों की सजा भुगती थी, या अर्जुन ने एक ऐसी कीमत चुकाई थी जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था? अजीत तो सिर्फ मौरा इंस्पेक्टर साहब, उस सब लोग को सजा होनी चाहिए जो हमने अर्जुन के साथ ही सब किए। मेजर साहब, हम इस षड्यंत्र की गहराई में जाएंगे, गुनाहगारों को धरकर ही रहेंगे। गलती तो शंकर की है थी, पर उसकी सजा हमने छोटे बेटे अर्जुन को काहे दिए? वो लोग साक्षी के भाई लोग की हमारे छोटे बेटे अर्जुन से काहे की दुश्मनी थी साहब? फिलहाल हमारे पास साक्षी के भाइयों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर हाँ अजीत पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज है। एक बार वो हाथ लग जाए तो ये राज बेपर्दा हो जाएगा कि वो अर्जुन की हत्या में क्यों शामिल था और कैसे। जी हाँ, दोनों यहीं रहते हैं, शंकर और साक्षी दोनों पति पत्नी हैं। अभी कहाँ है? इस वक्त तो वो बाहर गए, उसके गांव हरापुर। Thank you.
मेरे छोटे भाई को? किसने गोली मार दिया रे तेरे छोटे को? सर, एक अजीब बात है। क्या बात है? सर, ये धर्मेंद्र गर्ग जो है, इसके कॉल रिकॉर्ड्स में एड्रेस लखनऊ का है, जो कि शंकर दुबे के घर का एड्रेस, अर्जुन दुबे का बड़ा भाई शंकर दुबे। और ये शंकर दुबे फिलहाल लखनऊ में नहीं, हरापुर में अपने पिता के घर। मतलब 2 साल में पहली बार। वैसे इस नितिन और अजीत की कोई खबर? जी नहीं सर, फोन अभी भी स्विच ऑफ है। हमने गया, पटना, लखीमपुर, हरापुर, यहाँ के सभी खबरियों को रेड अलर्ट पे कर दिया। शायद ये खबर हमारे लिए रेड अलर्ट का सिग्नल है वर्मा, कि शंकर दुबे के एड्रेस पर धर्मेंद्र गर्ग का फोन अगर रजिस्टर्ड है तो क्यों और कैसे? जी, धर्मेंद्र गर्ग हमारे मालिक हैं, हम उनकी दुकान में काम करते हैं। तुम उनका फोन इस्तेमाल करते हो? जी नहीं, हम अपना फोन इस्तेमाल करते हैं जो अपने नाम पर हमको खरीद के दिए। ऐसा क्यों? कहे कि हमारा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, वो हमारी मदद कर रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जाकर पूछ लीजिए। बात का है साहब, 2 साल से तुम अजीत पांडे के संपर्क में रहे हो, तुम्हारी मौसी का बेटा। अजीत ही का है, हम सब के संपर्क में थे, मामा मामी भाई बहन सबसे बातचीत होता रहा है, मिलना जुलना होता रहा। हम जानते हैं कि बाबूजी सबसे रिश्ता तोड़ दिए थे, वो तो हमसे भी रिश्ता तोड़ दिए थे, इसीलिए वो लोग हमारा परिवार बन गए। और तुम्हारे इसी परिवार का एक सदस्य है अजीत, उसने तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को निशाना क्यों बनाया? या फिर अजीत सिर्फ एक मोहरा था और असली कातिल साक्षी के भाई गुड्डू और सुधीर हैं? नहीं साहब, हमारे भाई ऐसा नहीं कर सकते, और अगर वो लोग इस हत्या में शामिल हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। अजीत का हमको मालूम नहीं, भनक भी नहीं लगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। जुन हमारा छोटा भाई था, नेक दिल, पढ़ाई करने वाला, सबकी बात मानने वाला। देखिए, इस वक्त हमारे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन जैसे ही अजीत मिल जाएगा सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्यों उसने फोन किया और 15 लाख रुपए मांगे और फिर दोबारा कोई फोन नहीं किया? क्यों अगर किडनैपिंग का प्लान था तो पहले ही मर्डर कर दिया? घर से निकलने के कुछ ही देर में अजीत ने अर्जुन की हत्या कर दी थी। अजीत खुद ऐसा नहीं कर सकता है, जरूर उसके दिमाग में कुछ जहर भर दिया है, उसका इस्तेमाल किया है। जो भी है सब सामने ही है। देखो, हमको पूरा शक है कि अजीत ही सब साक्षी के भाई लोग के कहने पे किया, कहे कि पहले से ही गहरा दोस्ती था उनका। नहीं जी, इतनी को संभव नहीं। अरे, दुश्मनी अपनी जगह है, हमारे बच्चे गुड्डू और सुधीर किसी की हत्या कर ही नहीं सकते हैं। तुमको पूरा भरोसा है? काहे, आपको नहीं है का? साक्षी को तो हम लोग कब का भुला चुके। सच्ची में भुला दिए है का? वो गुस्सा, वो अपमान, बिरादरी में थू थू, सच्ची भुला दिए है का? हमको नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, हमको सिर्फ इतना मालूम है कि आप हमारे बड़े भैया, और हम आपके बिना नहीं जी सके। साहब, पटना से गोविंद खबरी बोल रहे हैं। बोले गोविंद। यहाँ तो लॉज में आपका आदमी सुस्ता रहा है। अकेला ही है? हाँ साहब, अकेला ही है, लेकिन उगरे साधु अजीत पांडे नहीं है। इस साजिश के मुताबिक अजीत को बहुत ही लंबे अरसे तक अंडरग्राउंड रहना था, इतने लंबे अरसे तक कि जब तक इस केस के भड़कते अंगारे ठंडे नहीं पड़ जाते और इस केस की फाइल सरकारी दफ्तरों की धूल की धुंध में गुम नहीं हो जाती। पर जाहिर है ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। कौन है बे?
मैं मैनेजर। चंदन जी आप ठहरेंगे या चेकआउट करेंगे? आपने कल भी किराया नहीं दिया है। अबे मैनेजर, कोई रोज रोज भाड़ा देता है क्या? चेकआउट करेंगे तब दे देंगे, जाओ बात करते हैं। आपके लिए लॉकअप में बढ़िया सा रूम तैयार किए हैं, जहाँ नींद तो बहुत आएगी मगर सोना नहीं होगा, सिर्फ रोना होगा। चल साहब, क्यों मारा गया ये हमें सच्चे में नहीं पता, हम बस पैसों के लिए ये काम किए। माल पानी कितना मिलेगा? 10,000 देंगे। पगला गए हो का? किसी को जान से मारने का बात कर, मिनिमम 50,000 लेंगे। 50,000 वो ज़्यादा हो जाएगा यार, एक काम करो 10 और ले। दोस्त हो तो कंसेशन दे रहे हैं, 25 में फाइनल करो। एक फूटी कौड़ी नहीं मिली साहब हमको, अजीत ने 5,000 का थप्पी थमाया था हमें हथियार लाने के लिए। तुम लोग जानते थे तुम किसे मार रहे थे? हाँ साहब, अजीत कह रहा था उसकी मौसी का बेटा है, अर्जुन नाम है। क्या दुश्मनी थी? ये हमको नहीं पता साहब, हम पूछे नहीं और अजीत ने कभी बताया नहीं। अजीत कहाँ है? पिछली बार पटना के दिव्या लॉज में मिले थे हम, उसके बाद वो बार बार लॉज बदलता रहता है साहब। तो उससे बात कैसे होती है? उसने दूसरा फोन लिया है, नया नंबर लिया है। अब तुम हमारे सामने उससे बात करोगे और उससे कहोगे कि तुम उससे मिलना चाहते हो? बे कहाँ मर गए तुम यार, जल्दी आओ यार। बस पहुंच ही रहे हैं। अच्छा सुनो, मार्केट के एकदम कोना में को लिट्टी चोखा का दुकान है, वहीं बैठे हैं हम, ठीक है? पहुंच ही गए समझो। कितना हुआ जी? 20। अबे कहाँ मर गए तुम और कितना टाइम लगेगा? अब और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अजीत पांडे, नितिन हमारी गाड़ी में बैठा है। चलो अब इत्मीनान से बोल कि अपने मौसेरे भाई अर्जुन को क्यों मारा। देख, चार दीवारों को सन्नाटा बिल्कुल पसंद नहीं है, इतना ठोकेंगे ना कि बोलना बंद नहीं कर पाओगे। सैंपल दे या सीधे परोसे। बता दे सर, हम अकेले नहीं थे इसमें। वो हम जानते हैं, तेरे साथ में और कौन कौन था ये बता। इसमें सब थे। सब मतलब कौन कौन? मोहन मामा, सुनील मामा, रवि कुमार, योगेश और वो। तेरे मोहन और सुनील मामा को हम जानते हैं, ये योगेश और रवि कुमार कौन है? मोहन मामा के दोस्त लोग हैं। अब बुझाया, कहाँ से आएगा रोगड़ा? क्या खजाना ढूंढ निकाला है आपने? जीजा जी के घर को ही निशाना बना दिया। कोनो मेहनत नहीं, बैठे बैठे माला माल हो जाओ। वैसे अपना हिस्सा कहाँ होगा मोहन भैया? ये सारी बातें पहले ही क्लियर हो जाए तो अच्छा है। औकात में रहो अपनी, काहे का हिस्सा बे? अगर तुम लोग को चवन्नी भी बैठाएगा ना, हमारा दिलदारी होगा वो, समझे? ये तो गलत बात है ना मोहन, हमारे घरे कैसे हो गए पति? हम तो आपका प्लान जानते हैं, हम जानते हैं कि आप अपने भांजे अर्जुन का मर्डर करवाने वाले हैं। अब हमारा मुंह बंद करना है ना, तो नोट ठूसना पड़ेगा मुंह में। और वैसे भी सारी लूट अकेले अकेले हजम करने से बदहजमी हो जाती है। मोहन मामा का नशे में मुंह खुला और हम लोगों का बटुआ, पहले सिर्फ 4 हिस्सा होने वाला था, फिर 6 हो गया। तो 4 के 6 हो गए। वो 4 कौन कौन थे? मोहन मामा, सुनील मामा, तू और तेरा दोस्त नितिन चंद्रा। चौथा कोई पार्टनर नहीं था साहब, उनका सब मिलने वाला था। देख पहेलियां मत पूछ, सीधे सीधे बता दे वरना उल्टा करके निकलवा लूंगा। शंकर दुबे, अर्जुन का बड़ा भाई। सर ये तो ज्यादती है ना, हमारे पति इस बारे में कुछ नहीं जानते। अजीत क्या बोला साहब? कुछ तो बोलिए ना साहब। 4 भागीदार थे इस कांड में, मोहन शुक्ला, सुनील शुक्ला, अजीत पांडे और ये आपका बेटा शंकर दुबे।
और आप सब जो इसे बचाने के लिए इतना शोर मचा रहे हैं, एक बार इससे तो पूछ लीजिए जरा कि ये अपने आप को खुद निर्दोष मानता है क्या? इसे नहीं मालूम था कि इसका छोटा भाई अर्जुन मारा जाने वाला है? शंकर, साहब कुछ पूछा है तुमसे? क्या तुमको मालूम था कि अर्जुन का हत्या होने वाला? सिन्हा जी, हम सोच रहे थे कि वसीयत बना दें। अपने सही वक्त पर सही चीज सोचा मेजर साहब। अपने इतनी मेहनत से सब कुछ खड़ा किया है, कल खानदान में कोई झगड़ा विवाद अगर हो जाए तो आपके परिवार की इज्जत को शोभा नहीं देगा। भाई जो कुछ भी है उसको साफ साफ कागज पर उतार दे। नहीं नहीं मामा जी, हमका तब इस बात से नहीं हो रहा है इस बात पर। अरे हम काहे झूठ बोलेंगे तुमसे? अरे कल अश्विन वकील तुम्हारे घर गया था बाबूजी से मिलने के लिए। मिंटू उसके ऑफिस से सारा खबर लेके आया है। बाबूजी हमारे साथ नाराज हो सकते हैं लेकिन इतना कठोर दिल नहीं हो सकते। तुम ना, तुम समझ नहीं रहे बात। एक काम करो, तुम दूध निकले यहाँ चले आओ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। अब देखो जीजा जी जो करने चले हैं उसको रोकना ही होगा ना। शादी के बाद खुद का घर जब बसाएं तब जाकर आटे दाल का असली कीमत समझ आने लगा था। जिंदगी सही नहीं जा रही थी हमारी। हमारी कमाई जरूरत से काफी कम थी और बढ़ने की भी कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, और जो नजर में था अचानक से अब हमारा नहीं था। आ जाओ प्रे। हमको पता पड़ा कि बाबूजी अपना सारा कुछ, घर जमीन जायदाद जेवर सब कुछ सिर्फ सुजाता और अर्जुन के नाम पर कर रहे हैं। इसमें वो फ्लैट भी शामिल था जो वो हमारे लिए खरीदे थे पटना में। सुनकर तो कलेजा में आग लग गया। जब तुम्हारे बाबूजी के दिले में तुम्हारे लिए जगह नहीं है तो वसीयत में कहाँ से होगा बेटा? अब मेजर साहब ही जिंदगी में तो इसको माफ नहीं करने वाले। आनंद नौसा जी के तो समझ में आता है, मतलब बुजुर्ग आदमी है, घर के मालिक है, जो मर्जी फैसला कर सकते हैं। तो ये अर्जुनों को क्या हो गया है? मतलब एक पक्ष में रत्ती भर नहीं बोला, उसको बोलना चाहिए ना। मुँह में ताला लगा के बैठा है, बताइए तो बोलेगा क्या है? सारा माल अकेले उकरा नाम हो रहा है ना। बहुत ही साथी लमदा है बता रहे हैं। जी अर्जुन मेरा छोटा भाई है, अब बाबू जी से ज़्यादा प्यार वो हमसे करता है। ए बाबू, पैसा के सामने ना सारा प्रेम फीका पड़ जाता है रे। अच्छा एक बात बताओ, अगर अर्जुनवा चाहता तो तुम्हारे और तुम्हारे बाबूजी के बीच में सुलह नहीं करा देता? करा देता ना, लेकिन नहीं कराया। कराता भी क्या है? सुलह कराने का मतलब कि जो मिल रहा जायदाद उसमें बंटवारा। ये सब सुनने के बाद तो दिमाग सुन पड़ गया था। हमका तो समझ में नहीं आ रहा था क्या सोचे क्या करें। हम तुमको सीधा बात बताते, हिसाब ये है कि अर्जुन को रास्ते से हटाना हो, और एक बार अर्जुन रास्ता से हट गया ना तो तुम्हारे बाबूजी के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा सिवाय कि तुमको अपना जायदाद का वारिस बना ले। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं ना, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम समझाते हैं। देखो रास्ते से हटाने का मतलब ये हुआ उसे दुनिया से हटाना होगा। क्या बात कर रहे हो तुम? अर्जुन हमारा छोटा भाई है समझे, जिगर का टुकड़ा है वो हमारा। साक्षी वो तुम्हारा कुछ नहीं लगती है? अरे बीए पास है, ग्रेजुएट है वो, उसको आईएएस इंजीनियर डॉक्टर कहाँ नहीं मिल जाता उसको। लेकिन इस समय क्या कर रही है वो? लखनऊ में एगो मजदूरा की बीवी बन के अपनी किस्मत कोस रही है वो। उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचते तुम, और तुम्हारा जो आने वाला बच्चा होगा उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। ये बहुत बड़ा साजिश है बेटा। अर्जुनवा को बहुत पहले से मालूम था कि तुम्हारे बाबूजी तुमको बसियत से गेट आउट करने वाले हैं। देखो शंकर, बचपन का भाईचारा जो है ना बुढ़ापे का सहारा नहीं बनता। अर्जुनवा वो अर्जुना नहीं है जो तुमने बाइक सीट पर बैठ के घूमता था, अब फ्रंट सीट पर बैठ के सब कुछ लेके उड़ जाएगा फुर्र करके। इसलिए उसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारे हाथ में एक ढेला नहीं मिलेगा। कुल मिला के तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना एकदम डामाडोल है। हमारा काम तो समझाना, हमने समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी यार। उस वक्त उन सब की बातें हमको सही लगी, ऐसा लग रहा था कि यही हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक। हमको उनका प्लान मंजूर हो गया। अब जितना समझाना था हम लोग समझा दी। मामा हमारे पास एक प्लान है। का? अर्जुनवा इस वक्त अमर नगर में है, तुम्हारी बहन सुजाता के घर पे। अरे तो एकरा से बढ़िया क्या हो सकता है, हैं? तुम फटाफट जाओ और उसको जज्बात का गोली दो और बाहर निकालो उसको, और कोनो सुनसान जगह पर ले जाओ, खेल खत्म। खेला तो हम खत्म कर देंगे मामा जी,
पर उसके बाद हमको लंबे समय तक अंडरग्राउंड जाना होगा, जिसके लिए काफ़ी पैसा लगेगा और बहुत रिस्क भी है, तो हमको भी बराबर का हिस्सा चाहिए। मारेंगे पड़ा दिमाग खराब जाएगा तुम्हारा, एकदम पगले ठोका तुम। देख रहे भैया क्या ही बात कर रहा है, फालतू हिस्सा उस्सा का बात कर रहा है। अरे हम एक खून है हम लोग, सब एक ही खून है ना हम है? अरे शंकर तो अपना खून है, और अपना खून कभी नाइंसाफी थोड़े करेगा क्या शंकर बेटा? तो बस प्लान पक्का, अजीत ही काम को अंजाम देगा, पर ये पकड़ा नहीं जाना चाहिए, तो इसका खर्चा और जिम्मेदारी हम तीनों पर। पक्का? हाँ। अरे शंकर तुम मुस्कुरा दो यार, बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो, पूरा ख्याल रखेंगे हम छोटे का, और वैसे भी दो दिन के बाद तो आपके पास ही होगा क्यों छोटे? हाँ। अंदर के लालच ने मोहन, सुनील और अजीत के सामने घुटने टेक दिए, पर इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आई कि जो लोग पैसों के लिए तेरे 16 साल के मासूम भाई की जान ले सकते हैं, वो तुझे रास्ते से हटाने में भी दो मिनट नहीं सोचेंगे? जितने कम हिस्से उतनी ज्यादा दौलत, इतना सीधा सा गणित समझ में नहीं आया? नोटों की गड्डी खून से ज्यादा गाढ़ी होती है, जो इंसानियत और जमीर को कुरेद कुरेद कर खा जाती है। हमको नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, हमको सिर्फ इतना मालूम है कि आप हमारे बड़े भैया हो और हम आपके बिना नहीं जी सके। सुधीर और गुड्डू साक्षी के भाई निर्दोष पाए गए, उनका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, पर साक्षी के परिवार वाले बुरी तरह चौंक गए कि उनका शंकर के बारे में अनुमान उनकी कल्पना से ज्यादा सही साबित हुआ। उनका दामाद अपने ही छोटे भाई की हत्या में भागीदार बन गया था। दुबे परिवार अब भी ये मान नहीं पा रहा था कि उनके घर का सबसे बड़ा बेटा शंकर उस साजिश का हिस्सा था, जहां उसे मालूम था कि छोटे भाई अर्जुन का कत्ल होगा और उसने सहमति दे दी थी। साक्षी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। शंकर पछतावे की काल कोठरी में अपने साए से भी आंख नहीं मिला पा रहा है। शंकर के दिल में लालच की बिजली क्षण भर के लिए चमकी, जिसने उसकी इंसानियत को अंधा बना दिया और एक बेहतर जिंदगी की चाह में उसने अपने ही छोटे भाई की हत्या की सहमति दे दी। एक ऐसा भाई जो शंकर से बहुत प्यार करता था और जिसकी रक्षा शंकर को करनी चाहिए थी। साक्षी के भाइयों को शंकर के परिवार और उसके रिश्तेदारों से नफरत थी, जिन्होंने शंकर की मदद की थी साक्षी को भगाकर उसकी शादी करवाने में, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि अजीत भी इस साजिश में शामिल था। साक्षी के परिवार का दुबे परिवार पर गुस्सा शंकर के ममेरे भाइयों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने इस जुर्म की ऐसी प्लानिंग की कि जिससे लगे कि यह कत्ल साक्षी के भाइयों ने किया होगा और उन पर शक की सुई कभी नहीं आएगी, पर जाहिर है कि प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। सभी मुजरिम अब जेल में हैं। मोहन के दोस्त योगेश झा और रवि कुमार, जिन्हें मालूम था कि यह हत्या होने वाली है, वो इस वक्त फरार हैं, लेकिन पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और धारा 27 आर्म्स एक्ट के चार्जेस लगाए गए हैं। सभी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। आज दुबे, चौधरी, नारायण और पांडे परिवारों में कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि सभी ने किसी न किसी को खोया है। परिवारों में, करीबी रिश्तों में गंभीर से गंभीर गिले शिकवों को दफना दिया जा सकता है,
लेकिन किसी तीसरे या पराये को आपसी मतभेदों का फायदा उठाने देना ये बहुत बड़ी और दुखद कीमत वसूल कर सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।